ओके, सो गुड इवनिंग टू एवरीवन। हम लोग अपने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स को गवर्नेंस के ऊपर कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं आज के टॉपिक पे। सो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो होगा चैलेंज टू द गवर्नेंस इन इंडिया। चैलेंजेस के ऊपर बात करें तो पहले कुछ पॉइंट्स को मैं डिक्टेट कर देता हूँ, उसके बाद फर्दर आगे अपने एक्सप्लेनेशन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गवर्नेंस को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जिसमें कहा गया है इन द 21st सेंचुरी इन द 21st सेंचुरी फर्स्ट पॉइंट इसका जो होगा इस टॉपिक का मीन्स में ये बहुत फ्रिक्वेंटली देखा जाता है। सो इन द 21st सेंचुरी this issue issue became evident that those who want minimal government are having an upper hand against the इस टॉपिक को थोड़ा सा हम हाईलाइट करके इस वाले लाइन को लिखते हैं, एडवोकेट्स ऑफ पैटर्नलिस्टिक वेलफेयर स्टेट। ये चीज़ एक बेसिक टर्म है जो आपको समझना है कि आज के पीरियड में 21वीं सदी में जिस दौर पे हम लोग जी रहे हैं, तो भारत में गवर्नेंस को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इसमें पुरुष प्रधान समाज का जो सबसे बड़ा जो वर्चस्व और दबदबा है वो इसके सबसे बड़े आड़े में आकर सामने खड़ा होता है। अब सवाल ये है कि एक वो समाज की हम लोग बात करते हैं, एक वो हम लोग सोसाइटी का हम लोग परिकल्पना करते हैं जिसमें सभी चीज़ सभी उसके जो फैक्टर हैं बराबर होकर चले, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यही है कि आज उस समाज में हम लोग जी रहे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुरुषत्व का दबदबा और वर्चस्व सर्वोपरि है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। इसमें से पहला एक क्वेश्चन है कि आज भी इनफैक्ट आज के पीरियड में ये देखा जा रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा ट्रेंड बना करके उठाया गया है कि पार्लियामेंट में फीमेल क्यों नहीं है, तो फीमेल के परसेंटेज को बढ़ाया गया है। फिर लोकल गवर्नेंस में फीमेल की पार्टिसिपेशन को क्यों नहीं रखा गया, तो आफ्टर 73rd अमेंडमेंट उसको लाया गया है। बट अगर देखा जाए
फिर भी प्रॉपर। मुझे याद है, आप लोग शायद इस चीज़ को देख सकते हैं, एक सीरीज़ है, आप सब में से मालूम कितने लोगों ने देखा है, पंचायत का एक सीरीज़ है जो अमेज़न प्राइम पे अभी भी अवेलेबल होगा। उसमें बहुत बेहतर तरीके से एक चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है कि एक गांव है और उस गांव में जिस जगह का वो दिखा रहा है पर्टिकुलर, उस जगह पे महिला प्रत्याशी को खड़ा होना है। अब महिला प्रत्याशी को खड़ा होना है, लेकिन जो प्रधान पहले से बनता आ रहा है वो तो पुरुष है। अब उसको उस बार चांस मिलेगा नहीं, तो उसने अपने वाइफ को उस जगह से चुनाव लड़वाया। अब सवाल ये है, उसकी पत्नी जो जिसको राजनीति से, जिसको प्रशासन के तौर तरीके से कोई वाकिफ नहीं है, अब सवाल है कि वो करे तो करे कैसे। तो पद पे नाम किसी और का है, पद पे काम कोई और कर रहा है। ये एक बेहतर उदाहरण आप उससे समझ सकते हैं, और वो उदाहरण दे करके वो हमें ये इंगित करवाने, हमारे सोच को इंगित करवाने की कोशिश करवा रहे हैं इस जगह पे कि आज भी ऐसा है, इतने समय बाद भी, आफ्टर 73rd अमेंडमेंट आज हम लोग बैठे हैं 2021 में, कहीं ना कहीं आज भी ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है गवर्नेंस को लेकर। जब तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी ख़त्म नहीं होगी, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक गवर्नेंस का मुद्दा फ्लक्चुएट करता ही रहेगा, गवर्नमेंट के सामने चैलेंज बनकर खड़ा ही रहेगा। इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा समाज अगर एकजुट होकर के एक साथ आगे सब बढ़ करके आए, हाँ तब कुछ किया जा सकता है, संभावना लगता तो है ऐसा। लेकिन अब देखिए, समाज में काम करने के लिए किसी एक के ऊपर दायित्व देना तो वो भी सही नहीं है, हम सभी का भागीदारी बराबर होना चाहिए। चलिए अब देखिए, भारत में प्रशासन को लेकर, इंडिया में गवर्नेंस को लेकर सेकंड जो चैलेंज है वो है कि पॉवर्टी, इनइक्वलिटी, ठीक है, पॉवर्टी एंड इक्वलिटी आर द सेकेंड मोस्ट सब्जेक्टिव मैटर और आप इस चीज़ को देखिए, अगर 1950 के चुनाव से, अगर इसको अगर हम ऐसे बताएं, 1950 के इलेक्शन से आज 2021 के कोई भी चुनाव को अगर आप देखें, तो इस समय जो नेता मंच में आकर भाषण दिया करते थे, उस मंच में भाषण देने का जो पूरा स्क्रिप्ट है वो आज भी सेम वही है। कुछ चुनिंदा टॉपिक है, उस चुनिंदा टॉपिक में से ये दो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर। समय बदल गया है, 73 साल का दौर पे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मुद्दा वही, आज भी वही धड़ा का धड़ा रहा है। तो समझना पड़ेगा इस चीज़ को, और ये उस समय भी चैलेंज था, आज भी चैलेंज है, क्योंकि इसको हम लोग को चैलेंज बनाकर रखना हमारे लिए शायद एक इंटरेस्ट की बात दिख रही है यहाँ पे। बट यही प्रॉब्लम है जो आगे जा कर के सोसाइटी को सफ़र सबसे ज़्यादा करवाने में मजबूर करता है। तो ये अब कैसे होगा, किस तरीके से उसको कर्विंग किया जा सकता है, वो गवर्नमेंट का अपना डिपार्टमेंटल पॉलिसी डिसाइड करेगा। तो ये एक चीज़ है।
अच्छा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. सो पॉवर्टी इनइक्वलिटी सेकेंड मैटर. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग आगे अगर बढ़े अगला पॉइंट में तो नेक्स्ट है करप्शन. करप्शन अगला पॉइंट है. करप्शन इनएफिशिएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑफ ऑफ ब्यूरोक्रेसी. नेक्स्ट है नेपोटिज्म. बीते एक साल से ये बहुत ज़्यादा चल रहा है मीडिया में. सो करप्शन इनएफिशिएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी नेपोटिज्म एंड पॉलिटिसाइजेशन. And politicization in public administration. So next है poverty inequality के बाद corruption एक सबसे बड़ा मुद्दा. ये भी आप लोग जानते हैं inefficiency of bureaucracy. इसको सब आप लोग अपने notes में note down कर ले. Nepotism आफ्टर सुशांत सिंह के सुसाइड के बाद ये टॉपिक बहुत हमारे मीडिया ने उछाला. इससे पहले भी रहा है लेकिन ये समय एक ज़्यादा इसको पिकअप में रखा. पॉलिटिसाइजेशन हमारे देश में हर मुद्दे को हम लोग राजनीतिकरण उसमें कर दे रहे हैं हर जगह पे. तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो राजनीति से पढ़े लेकिन अगर वहाँ पे भी अगर राजनीति अगर हो रही है जिस चीज़ पे राजनीति जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पे राजनीति हुई है. इंडिया गवर्नमेंट गवर्नेंस के तहत सर्जिकल स्ट्राइक किया. अब उस पर अगर राजनीति अगर आप कर रहे हैं वो गलत है ना. फिर हमारे डिफेंस जितने भी पर्सनल्स हैं उसके जितने भी और भी अदर ब्रांचेस में जो जितने लोग जुड़े हुए काम कर रहे हैं सरकार के क्षेत्र में तो उनका भी एक मोटिवेशन होता है उनका भी एक विल पावर होता है. लेकिन अगर सामने से अगर राजनेताओं के द्वारा अगर कुछ ऐसा काम किया जाए तो वो विल शायद उनका टूट जाता है. बेहतर तरीके से अगर कोई काम कर भी रहा है तो वो शायद वो छोड़ दे. तो ऐसा होना नहीं चाहिए. सो ये एक मुद्दा है इसको आप नोट्स में लिख सकते हैं. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है प्रोग्राम फॉर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम ऑफ स्ट्रेंथनिंग पब्लिक अवेयरनेस वुड बी रिक्वायर्ड. अब जन चेतना जागना तो बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच में. अब सपोज ये आप सोच कर देखिए आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं और आपके बगल में बैठा हुआ कोई पैसेंजर बस के सीट का जो कवर होता है उस पे पेन से कुछ डिज़ाइन बना रहा है या उसको टैम्पिंग कर रहा है. अब पहला एक सवाल है आप उस चीज़ को देखेंगे. हम सब उस चीज़ को देखते हैं बट उस चीज़ के प्रति कोई उसको रोकता नहीं है. और रोकते हैं ऐसा भी नहीं है. 100 में से कुछ ऐसे होंगे 20-30% लोग होते हैं जो उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उस चीज़ के लिए उसको रोकते हैं. लेकिन 20-30 से नहीं होगा. हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा. आज भी इंडिया में जितना भी प्रोटेस्ट होता है वर्ल्ड में देखिए बहुत जगह पर बहुत प्रोटेस्ट होते हैं. प्रोटेस्ट आज से नहीं चल रहा लेकिन प्रोटेस्ट का मतलब बिगड़ता कब जो है जब पब्लिक जितने भी प्रॉपर्टी हैं उसके ऊपर अटैक होती है. लास्ट टू लास्ट ईयर आप सभी को याद होगा जब पूरे इंडिया में CAA को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था तो बंगाल से एक फुटेज हम सभी ने देखा कि पूरे ट्रेन के कंपार्टमेंट को जला दिया गया. अब बेसिक अगर आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा एक कंपार्टमेंट का पूरा जो प्राइस होता है वो करीबन जो पूरा कॉस्ट तैयार होगा 2-2.5 करोड़ में वो पूरा एक तैयार होता है. और वो 3-4 कंपार्टमेंट को जला दिया गया. और 3-4 कंपार्टमेंट जो जला 8-10 करोड़ का जो प्रॉपर्टी जला
वो 8 से 10 करोड़ का प्रॉपर्टी के बारे में अगर बेसिक चीज़ हम आपको बताएं तो वो ये है कि आज भी भारत में 4% के लोग ही टैक्स ढंग से जमा कर रहे हैं, और उसी 4% के लोगों के टैक्स से देश चल रहा है, और उसी टैक्स का वो पैसा है 8 से 10 करोड़ रुपए। आप इसको समझ सकते हैं डिटेल में। तो ये सब चीज़ होना नहीं चाहिए, इसलिए हमें इन सभी टॉपिक के ऊपर दिया जाता है पढ़ने के लिए, अपने माइंडसेट को क्रिएट करने के लिए। और जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनकर के उस पोस्ट में बैठेंगे तो आपका ये काम होता है कि सोसाइटी को किस तरीके से सही रास्ते पे ले जाने के लिए नए नए पॉलिसीज़ को लाकर उनके सामने रखें। और लास्ट रोल ऑफ वुमेन, ठीक है, रोल ऑफ वुमेन इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, रोल ऑफ वुमेन होगा, यही सेम लाइन थोड़ा रिपीट हो जाएगा यहाँ पे, रोल ऑफ वुमेन इन डे टू डे लाइफ प्लस रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। तो ये रहा पूरा चैलेंज के ऊपर जो आपके सामने मैंने अभी लिख दिया। अब शुरू होगा ई गवर्नेंस मॉडल, एक टॉपिक है उसके बारे में बताएंगे। इस सभी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है गवर्नेंस को लेकर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस अब इसमें लिख लीजिए बेसिक चीज जो है, ई गवर्नेंस का मतलब इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस। बेसिक चीज है ये, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस कॉमा, या इसको यहाँ तक रख सकते हैं सेकंड पैरा में, अगले वाले टर्म को ऐड करते हैं। सीधी सी बात है, ये गवर्नेंस क्या है, सरकार जब अपना सेवा को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक सूचना और संपर्क के आधार पर जब सरकार अपने सेवा को हम तक पहुँचा रही है, ई गवर्नेंस उसको ही यहाँ पर कहेंगे। तो ये जो ई गवर्नेंस हो रहा है इसके कुछ बेसिक जो क्राइटेरिया हैं, कुछ पिलर्स हैं, ये आपको पहले लिख लेना है। जो मैंने अभी बोला आपको कुछ पॉइंट्स हैं उसको पॉइंट फॉर्मेट में पहले मैं आपको लिखवा दूं। हेडिंग जाएगा व्हाट आर द पिलर या पिलर ऑफ ई गवर्नेंस, पिलर ऑफ ई गवर्नेंस।
पिलर ऑफ ई गवर्नेंस, तो इसमें लिख लीजिएगा देर आर टोटल फोर पिलर्स हैविंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, देर आर टोटल फोर पिलर, फोर पिलर ऑफ ई गवर्नेंस। वो फोर पिलर क्या है? फोर पिलर में फर्स्ट में आप लिखिएगा कनेक्टिविटी, सेकंड में नॉलेज, नॉलेज थर्ड डाटा कंटेंट, फोर्थ कैपिटल, चलिए। सो ये फोर पिलर आपने देख लिया है, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी है ये। तो फोर पिलर में से कनेक्टिविटी, जैसा कि आप जान रहे हैं, कनेक्टिविटी सबसे बड़ा चीज़ क्या है आज 2015 के बाद, ई गवर्नेंस को लेकर के सबसे बड़ा कनेक्टिविटी क्या हमारे सामने आकर के खड़ा हुआ है? जो डाटा फाइबर केबल हम लोग जो देखते हैं 2014-13-12 में, जो 1 GB का जो प्राइस था, आज शायद वो हम लोग उससे कई गुना ज़्यादा डे टू डे यूज़ कर रहे हैं। तो कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि सरकार कोई भी चीज़ को अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर सरकार कोई सेवा को पहुंचाएगी किसी जनहित तक, तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि कनेक्टिविटी सस्ता भी होना चाहिए, सुदृढ़ भी होना चाहिए और जन जन तक उसका पहुंच होना चाहिए। उसके लिए 2014-15 में जब जियो का पूरा प्लान आया इंडिया में, एक डिजिटल का एक रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिला। फिर एक वक्त ऐसा था, आप खुद सोच करके देखिए, बिफोर 2014 शायद क्या आप ऑनलाइन मार्केट में जाकर के ऑनलाइन परचेस करते थे क्या कोई भी प्रोडक्ट को विदाउट कैश? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शायद बहुत कम लोग करते थे, बट उसके बाद अब सिचुएशन बदल चुका है। तो कनेक्टिविटी का मतलब यही है, कनेक्टिविटी में इसमें लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा हम डिटेल में ना लिखवा करके हम सिर्फ एक चीज़ इसमें डिक्टेट करवा दे रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि कनेक्टिविटी इज़ रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द पीपल, कनेक्टिविटी इज़ रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द पीपल टू द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट विच शुड बी इन इफेक्टिव मैनर, विच शुड बी एग्जिस्ट इन इफेक्टिव मैनर। नेक्स्ट है नॉलेज, नॉलेज में लिख लीजिए इसको, फिर एक्सप्लेन इसमें करेंगे। हेयर नॉलेज रेफर टू आईटी नॉलेज, नॉलेज का मतलब ये चीज़ नहीं है कि हम किसी और ज्ञान की बात कर रहे हैं, बट नॉलेज का मतलब है आईटी नॉलेज। हेयर नॉलेज रेफर टू आईटी नॉलेज। Government should employ skillful engineers who can handle the e-governance in efficient way. Government should employ skillful engineers who can employ skillful engineers who can handle the e-governance in the efficient way. ठीक है, चलिए डेटा कंटेंट पे लिखवा देते हैं कैपिटल पे, फिर इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। डेटा कंटेंट का लिखिएगा टू शेयर एनी काइंड ऑफ नॉलेज, टू शेयर एनी काइंड ऑफ नॉलेज, टू शेयर एनी काइंड ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। गवर्नमेंट शुड इंप्लॉय, आप लोग एक बार मुझे बताइएगा कि ऑडिबल सही है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे
मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुतों का ऐसे हैं कि मेल पे मैंने चेक किया है अभी, कुछ कुछ लोगों ने कहा है कि ऑडिबल प्रॉब्लम था लास्ट वीडियो में। कुछ वैसा हो तो आप लोग इन्फॉर्म कर सकते कमेंट वाले सेक्शन में जाकर, और लाइव चैट को मैं देख भी रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जिनको भी जो दिक्कत होगा आप लोग लाइव कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, तो डेटा कंटेंट में लिखिएगा टू शेयर एनी काइंड ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, देयर शुड बी इट्स डाटाबेस एंड दिस डाटाबेस शुड हैव द डाटा कंटेंट। Which is related to the government service. चलिए लास्ट कैपिटल में लिखिएगा कैपिटल। कैपिटल कैन बी ऑन पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप। कैपिटल कैन बी पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप्स। इट रेफर टू मनी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देयर सर्विस और to that sector of the economy based on its operation. Capital can be, फिर से रिपीट करें, capital can be on public or private partnerships. It refer to the money used by government to provide their service or to that sector of the economy based on its operation. अब आपको ई गवर्नेंस को अगर स्टैब्लिश करना है तो ऑब्वियसली बात है कुछ फंड कैपिटल चाहिए, उसका कंटेंट मैंने लिखवाया। अब एक चीज़ और है, ई गवर्नेंस सरकार स्थापित कर रही है और सरकार के पास चलिए कुछ फंड है तो सरकार उस फंड से अपना मैनेजमेंट, अपना जो भी है इक्विपमेंट्स वो सेटअप तो कर ली, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का क्या? प्राइवेट से अगर सरकार कोई सर्विस ई गवर्नेंस के थ्रू दे रही है तो प्राइवेट सेक्टर को, तो क्या प्राइवेट सेक्टर के पास क्या इतना फंड है कि वो अपने भी सिस्टम को ई गवर्नेंस में कन्वर्ट करवा पाए, जो मैनुअल हो रहा है उसको वो कन्वर्ट करवा पाए डिजिटल फोरम पे? तो कैपिटल उसके पर्सपेक्टिव में भी यहाँ पे बात हो रही है। और डाटा कंटेंट में देखिए फिर वही चीज़ है, पिलर ऑफ ई गवर्नेंस का ये तीसरा और इस पर ये बहुत डिस्प्यूटिव ये वाला टॉपिक है। डाटा कंटेंट में यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि सरकार अगर कोई भी काम डाटाबेस पे कर, ई गवर्नेंस में मेन चीज़ होता है डाटाबेस। अब डाटाबेस पे कोई काम शुरू हो रहा है तो उसमें सारा आपका इन्फॉर्मेशन होगा, आपके ए टू जेड सारे इन्फॉर्मेशन आपके पर्सनल डाटाबेस पे रिकॉर्ड में मौजूद होते हैं, जो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट उस चीज़ को हैंडल करती है। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग बात यह है कि उस चीज़ को किस तरीके से गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करके रखती है, उसका मैनेजमेंट कैसे करके रखती है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा चीज़ है। नॉलेज जहाँ तक बात रहा तो आप आईटी देखिए, फिर वही चीज़ है, सरकार के क्षेत्र में आज से 10 साल पहले तक, सरकार के क्षेत्र में आज से 10 साल पहले तक जितने भी वर्क होते थे वो मैनुअल होते थे, कुछ सर्विस को छोड़ करके। बैंक में भी कुछ जो वर्क होते थे आफ्टर जो कंप्यूटर का पूरा रिवॉल्यूशन इंडिया में देखने को मिला 90s में, तो कुछ बैंक्स में कंप्यूटर आए, प्रिंटर्स आए, उसके अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिले। लेकिन आज से 10 साल पहले तक अगर हम लोग बात करें तो फिर कैश ट्रांजैक्शन पे ऊपर हम बात करें बैंक में, तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर का यूज़ मिलेगा या बाकी सब चीज़ में। ठीक है, आज अगर आप देखें ई गवर्नेंस में तो आपको शायद बैंक में जाने का ज़रूरत नहीं है, बैंक में उस लाइन में लगने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पहले भी था ई गवर्नेंस के मोटिव पे, सरकार पहले भी काम कर रही है, लेकिन उतना नॉलेज गवर्नमेंट के पास नहीं था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने अलग अलग एप्लीकेशन को जारी कर दिया है। अगर आपको अब बैठ करके कोई फॉर्म भरना है, कुछ अप्लाई करना है, कुछ पिटीशन फाइल करना है, किसी भी जुडिशरी फील्ड में देखिए, लेजिस्लेटिव फील्ड में देखिए, एग्जीक्यूटिव फील्ड में देखिए, कहीं भी देखिए, कुछ भी अगर आपको गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना है कोई भी एक फाइल, आप उनके एप्लीकेशन में जाइए, उनके वेबसाइट में जाइए,
उनका पूरा स्ट्रक्चर है, उस पर जा कर के आप उसमें अपना अपलोड कर सकते हैं। तो आईटी नॉलेज गवर्नमेंट क्या की, सबसे पहले वैसे रिक्रूटर्स अपने पास बैठाई, आईटी इंजीनियर्स को अपने पास बैठाई और उनको ये काम दी। लेकिन ये काम कब हुआ, ये आज से 10-15 साल के ड्यूरेशन में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है। जब से ये डिजिटल का एक पूरा क्रेज़ हमें देखने को मिला 21st सेंचुरी में, तो वो ये पीरियड को जस्टिफाई कर रहा है नॉलेज। तो नॉलेज का मतलब यही है, सरकार के पास पर्याप्त कितने बंदे वैसे हैं जो इस काम को हैंडल कर रहे हैं। आप अभी भी अगर कोई बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप अकाउंट खोलने जाते, सपोज़ SBI में जाते, तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा योनो का एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करिए और उसी से सारा काम हो जाएगा। घर बैठे भी आप ये कर सकते हैं, सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो पहले जो एक 2-3 दिन का चक्कर पड़ता था, वो आज अब शायद विद इन फ्यू मिनट आपका अकाउंट खुल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? तो गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस का पूरा सिस्टम नॉलेज अपने अंदर तैयार करके रखा है और इस चीज़ को अब गवर्नमेंट शेयर कर रही है सिविल सोसाइटी के बीच में भी, कि वो भी इस चीज़ से जुड़े। तो पिलर यही है, इसको आप नोट डाउन कर लें। आज जो अपना लास्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ई गवर्नेंस का मॉड्यूल। तो उसमें क्या है, देखिए पहले क्या आपको लिखना है, ई गवर्नेंस के जो मॉडल गवर्नमेंट अपना रही है उनमें से कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप हम रिकमेंड करेंगे कि नोट कॉपी में अपना लिख लें। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट गवर्नमेंट टू सिटीजन अगला अपना इसमें जो टॉपिक है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू ओके। सो ये है कुछ ई गवर्नेंस के मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें। इन फ्यूचर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल में क्या कहता है, इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में जी टू जी इस मॉडल को कहेंगे G2G। अब ये है क्या, देखिए ई गवर्नेंस, अब एक सवाल ये है कि गवर्नमेंट का एक सेक्टर जिसमें ई गवर्नेंस का पूरा सिस्टम सेटअप है, लेकिन वही गवर्नमेंट का दूसरा डिपार्टमेंट या दूसरा सेक्टर जिसमें ई गवर्नेंस का कोई भी एग्जिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक कैसे शेयर होगा? कोई भी अगर इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, ठीक है, तो कैसे होगा? जैसे आज जो गवर्नमेंट की जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट की बैंकिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के काम कर रही है, बैंकिंग डिपार्टमेंट आधार के साथ मिलकर काम कर रही है, गवर्नमेंट का अलग अलग ये सब क्या है, एक यूनिट है। तो सभी के बीच में एक कोलैबोरेशन बना हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि जो इनकम टैक्स का जो यूनिट है उसके पास सारे इक्विपमेंट है ई गवर्नेंस के, सारे उसने सिस्टम को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिस्टम को डेवलप किया और बैंकिंग में नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं है, सभी के पास है, सभी चीज़ों में है। तो ये चीज़ आपको समझना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब इसमें लिख लीजिए एक लाइन इम्पॉर्टेंट, कि इन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन G2G इट इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन
इट इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन बिटवीन एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. टू प्ले द सपोर्टिव रोल ऑफ ई गवर्नेंस. चलिए, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स क्या होगा, ये कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू सिटीजन. गवर्नमेंट टू सिटीजन्स में लिख लीजिए, गवर्नमेंट टू सिटीजन फैसिलिटेट, गवर्नमेंट टू citizens facilitate citizen interaction with government, which is primary goal of e-governance. अब सरकार अपने से अपने डिपार्टमेंट के बीच में क्या वर्क कर रही है, चलिए वो तो जग जाहिर है. उसके लिए गवर्नमेंट अपना सारा सिस्टम वो अपना देख लेंगी, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है. लेकिन सवाल है कि सरकार अगर ई गवर्नेंस इस्टेब्लिश करती है तो सरकार के जितने भी सिटीजन्स हैं उनका क्या. हम लोग अगर आई टी के मामले में अगर हम लोग वेल इक्विप्ड नहीं हो नॉलेज के मामले में या उससे जुड़े हुए पहुँच, तो कैसे होगा फिर. सो ये आपको समझना पड़ेगा यहां पे. नेक्स्ट इसमें लिख लीजिएगा, दिस अटेम्प्ट टू मेक ट्रांजैक्शन सच एज इंफॉर्मेशन सर्च Land and property record, and payment of taxes. ठीक है, ये सब चीज़ें हैं. आप जो भी इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स जुड़ जाएंगे, तो ये फ्यू कुछ मैंने पॉइंट्स बताया कि गवर्नमेंट का सिटीजन्स के बीच में जो ई गवर्नेंस का जो मॉडल है उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, वो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं. अब आपको अगर टैक्स अगर आपको भरना है तो आप जाइए डायरेक्ट वेबसाइट में जाकर के आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल कर सकते हैं. उसमें कोई ये नहीं, आज सब चीज़ ऑनलाइन हो चुका है. अपना लाइसेंस रिन्यूइंग करना, आपको ऑफिस में नहीं जाना है, आप उसको भी आप साइबर में या अपने घर में अगर सारा सेटअप है तो आप उसको खुद से भी कर सकते हैं. सो वो सब चीज़ यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल में क्या है. गुड इवनिंग निकी रानी, आप सभी को गुड इवनिंग फिर से, जो जो बाद में जुड़ रहे हैं और जो भी क्लास को बाद में अटेंड कर रहे हैं, आप लोग के लिए मैंने मॉर्निंग वाले सेशन में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, आफ्टर क्लास आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं. और ये चीज़ आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग कोशिश करें कि इस चीज़ को जितना जन हित तक ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाया जा सके. क्योंकि देखिए, ओवरऑल जितने भी हैं अपने कोर्स, उसके सारे जो फंक्शनली टॉपिक हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल. हम कोशिश करेंगे अब धीरे धीरे इसको करवा दिया जाए अवेलेबल, कि आप लोग उसको घर बैठे पढ़ सकें बेसिक. और मॉर्निंग में फ्रॉम 1 PM, मॉर्निंग मतलब आफ्टरनून में 1 PM ऑनवर्ड्स करेंट अफेयर का सेशन भी आज से शुरू हो गया. ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम आज के सेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, बट कल से उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश पूरी की जा रही है. बट करेंट अफेयर का भी डे टू डे है, तो आप लोग उसको देखते रहें. चलिए नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज़. तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज़ में क्या है, इसमें लिख लीजिए, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज़ मॉडल इज स्पेसिफिकली
इज स्पेसिफिकली इंटर एंड इंट्रा, इंट्रा डिपार्टमेंटल, स्पेसिफिकली इंटर एंड इंट्रा इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन टूल्स फॉर गवर्नमेंट यूनिट, फॉर गवर्नमेंट यूनिट, फॉर गवर्नमेंट यूनिट आइदर नेशनल और स्टेट और लोकल, आइदर नेशनल स्टेट और लोकल। अब वही चीज़ें, सरकार के जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं उनको भी तो जोड़ना है, सरकार के जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं उनको भी उसी तहत जोड़ना है। देखिए सरकार के लिए सिटीजन्स अलग पैमाने पे अभी हम लोग देखेंगे क्योंकि गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, और सरकार के लिए इम्प्लॉय जो उनके लिए काम कर रहे हैं 24 घंटा, तो उनके लिए क्या हम गवर्नेंस का मॉडल तैयार कर रहे हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सेंटर स्टेट लोकल सभी के लिए ये बात अप्लाई होता है। और लास्ट है गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस में लिख लीजिए दिस मॉडल इंक्लूड परमिशन मॉनिटरिंग, दिस मॉडल इंक्लूड परमिशन मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन पेमेंट ऑफ टैक्स प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट का अपना बिजनेस एक्टिविटी भी होता है, गवर्नमेंट का अपना बिजनेस एक्टिविटी भी होता है, सो हाँ, तो बिजनेस एक्टिविटी इसमें क्या है, तो वो सारे कंडक्ट करवाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेंगी, उन सभी चीज़ों को भी ई गवर्नेंस के मॉडल में, जैसे इसका एग्जांपल एक लिख लीजिए गवर्नमेंट टू बिजनेस वाले में क्या होगा, जैसे सपोज एक कोई ज़मीन है उस पर टेंडर सरकार निकाल रही है, एक एयरपोर्ट जैसे जेवर अभी करेंट अफेयर पे जो UPPCS या UP के एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए खास करके ये ज़रूरत है, जेवर एयरपोर्ट है आपका आगरा यमुना आगरा एक्सप्रेस वे जो है उसमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, तो केंद्र का भी उसमें कुछ सहभागिता है, तो अब उसको आज से तो नहीं बनाया जा रहा है, बीते 5-6 साल से उसका टेंडर निकला हुआ अलग अलग काम का, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या की बिज़नेस के लिए अलग अलग टेंडर को निकाल रही है, और उस टेंडर को भरने के लिए जितने भी कंपनी हैं उस पर अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट टू बिज़नेस। अब गवर्नमेंट टू बिज़नेस में एक तो वो हो रहा है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं सरकार के, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो गवर्नमेंट खुद नहीं करती है, उसका क्या करती है टेंडर निकालती है, तो वो टेंडर निकलेगा किस जगह पे, वो भी ई गवर्नेंस के थ्रू किसी न किसी वेबसाइट में निकलेगा, किसी न किसी एक सिस्टम पे वो जारी होगा, तो एक ये चीज़ है इसको लिख सकते हैं। तो इसी के साथ जो ई गवर्नेंस के जो मॉड्यूल हैं ये अपना टोटल कंप्लीट होता है, ये टोटल पॉइंट कंप्लीट होते हैं। गवर्नमेंट टू बिजनेस का जो पूरा पॉइंट है एक बार मैं लास्ट में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, शायद कुछ बच्चों ने इस चीज़ को शायद लिखा नहीं है, सो दिस मॉडल इंक्लूड परमिशंस मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन पेमेंट ऑफ टैक्सेस प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, इसको आप लिख लीजिए। सो ये है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम बताते हुए आज का क्लास ख़त्म कर देंगे, वो ये है सम ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। ये आप लोग के आने वाले भविष्य के किसी भी एग्ज़ाम में ये देखने को मिल सकते हैं, हम रिकमेंड करेंगे प्लीज़ अपने नोट जो कॉपी आपने तैयार किया है उसमें इन चीज़ों को स्पेशल तरीके से मेंशन करें। सम ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट जो अभी हाइलाइटेड हैं और आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, उनमें से पहला है ज्ञानदूत, पहला जो ई गवर्नेंस का जो प्रोजेक्ट चल रहा है ज्ञानदूत, इसके बारे में हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, आप लोग लिख लीजिए। ई सेवा नेक्स्ट है, वाहन सारथी,
नेक्स्ट फ्रेंड, इसको कैपिटल में लिखिएगा फ्रेंड को, चेतना, एंड लास्ट भूमि। ठीक है, चलिए। सो ज्ञानदूत, ई सेवा, वाहन सारथी, फ्रेंड, चेतना, भूमि, ये सारे मेजर प्रोजेक्ट हैं। आई होप आप सब ने लिख लिया होगा। ज्ञानदूत जो है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, मध्य प्रदेश में ये चल रहा है, ये ई गवर्नेंस का मेजर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, एमपी। नेक्स्ट है ई सेवा, स्टेट के ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस के इस प्रोजेक्ट को शुरुआत किया। तो ई सेवा जो है आंध्र प्रदेश में चल रहा है, आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में। वाहन सारथी, वाहन सारथी तमिलनाडु की सरकार इसको चला रही है अपने राज्य में। और फ्रेंड्स जो है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट है केरला गवर्नमेंट का, केरला गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है। ओके, इसके बाद है चेतना। चेतना जो है ये डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। चेतना याद रखिएगा, जो बच्चे बिहार के हैं उनके लिए स्पेशल हम बता दे रहे हैं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बिहार में ये चल रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर ये चल रहा है। और लास्ट भूमि जो है, भूमि कर्नाटक गवर्नमेंट का है। कर्नाटका गवर्नमेंट का है, ठीक है। स्टेट के ऊपर ये क्वेश्चन आएंगे, ये मैंने आप लोग को लिखवा दिया, इसको आप लिख सकते हैं। अलग अलग ई गवर्नेंस का ये चल रहा है, ये आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। तो आई होप आज का ये टॉपिक आप सबको समझ में आया हो। कल हम लोग जब आएंगे अपने क्लास में तो द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान हम लोग देखेंगे, और इसी के साथ लोकपाल और लोकायुक्त जो सबसे मेजर जो टॉपिक है वो भी हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, लोकपाल लोकायुक्त। और जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। आप लोग मुझे रिकमेंड करेंगे इंडियन पॉलिटी का कौन सा चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, और आप लोग इस चीज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में। और आप लोग मुझे बताएंगे इंडियन पॉलिटी के मेजर जो टफेस्ट सब्जेक्ट है उनमें से जो गवर्नेंस था, गवर्नेंस को इसको मैंने डिस्कस किया, आप ही लोग के बताए हुए टॉपिक को मैंने डिस्कस किया, या तो सीरियल ऑर्डर में भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी के सारे जितने भी हैं एग्जामिनेशन में आने वाले चैप्टर्स। तो खैर, आज का यहाँ तक रहा अपना सेशन, कल हम लोग मिलते हैं इसी वक्त में। तब तक लिए कोई भी डाउट अगर होता है तो हमारी ईमेल एड्रेस पर आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं और कमेंट करें। सो कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। करंट अफेयर का सेशन भूलिएगा नहीं, 1 बजे से चल रहा है रेगुलर। सो फॉर टिल देन।